निकाला था टू ऑल माय व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे लिए मींस हमारे ऑफिस यूज के लिए, हमारे पर्सनल यूज के लिए, ए टू जेड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल टूल है, जिसे हम हमेशा यूज़ करते हैं और अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि उस वर्ड के अंदर कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं और कैसे किया जाता है। तो व्यूअर्स, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ पर होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट हो जाते हैं, देन ऑल प्रोग्राम्स। व्यूअर्स, यहाँ हम जब ये स्क्रॉल बार नीचे करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर दिखेगा आपको। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे की सारी लिस्ट बनी आएगी, जो जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टूल्स वगैरह। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स हैं। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल खुल गई। सी, हम बचपन से, जैसे हमने सुना होगा, वर्ड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल टूल है। इसके अंदर हम लेटर टाइपिंग करते हैं, लेटर बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग करते हैं, लेटर बनाते हैं, लेटर हेड बनाते हैं, CV, क्यूरिकुलम विटाई करते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं इसके अंदर, एंड सो ऑन। ये सारा काम इसके अंदर करते हैं, ऐसे आपको पता है। आज हम इनका ओवरव्यू लेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक फाइल है, ठीक है। 2007 वर्ड डॉक्यूमेंट, 2010 वर्ड डॉक्यूमेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत सिमिलर सा फ़र्क है। सिमिलर सा फ़र्क क्या है, जैसे आप ये ऊपर सर्कल देख रहे हैं, ये ऑफिस बटन है, इसको हम क्लिक करते तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। वहाँ पे होम के साथ में एक फाइल की, वो फाइल का रिबन दिया होता है, मतलब ये एक्चुअली हमारा रिबन है। इसके अंदर ऑप्शन तो फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे छोटा डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं, पूरी की पूरी शीट पर अपीयर हो जाता है वो फाइल का ऑप्शन बस, और कोई माइनर चेंजेस है ऐसे बिल्कुल सेम है, ठीक है सर। अब आप देख रहे हैं शीट के ऊपर, जैसे हमने कुछ टाइप करा, जस्ट दिस। अब हमें रूलर चाहिए किसके लिए, जैसे हम प्रिंटिंग वगैरह करते हैं कभी, तो हमें ये वाली चीज़ कभी यहाँ पे चाहिए, कभी यहाँ पे चाहिए, तो हम रूलर की हेल्प से इनको आगे कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, तो रूलर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, सॉरी, रूलर कहाँ होता है हमारा, देखिए आपको ये स्क्रॉल बार दिख रही है राइट हैंड साइड में, इसके ऊपर आपको ये छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप जब लेके जाते हैं माउस, तब लिखा आता है व्यू रूलर। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका रूलर टॉप अपर भी दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड भी दिखेगा, ठीक है व्यूअर्स। ये अपर भी दिखता है और लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, ठीक। अब नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पेज 101, मतलब हम वर्ड डॉक्यूमेंट के पहले पेज के पहले पन्ने पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। वर्ड्स, अभी हमने कोई वर्ड लेकर, हम कोई वर्ड लिखते हैं तो ये देखिए वर्ड स्पेस, जितने हम वर्ड लिखेंगे उतने वर्ड्स यहाँ शोन होते रहेंगे, ठीक है। ये होते हैं राइट हैंड साइड में जूम का ऑप्शन, कि तुम कितना जूम करना चाहते हो। वैसे कि आपको बता दूँ कि 100 या 90% हमारे लिए काफ़ी होता है, सफिशेंट होता है। जो ये राइट हैंड साइड में जूम का ऑप्शन होता है टाइपिंग के लिए, 90 या 100% सफिशेंट होता है।
अब ऊपर चलते हैं, ये क्लिपबोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में नीचे, इसको आप क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है लेफ्ट हैंड साइड में। इसका यूज़ हम आपको आने आगे वीडियोज़ में बताएंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका, कि इसका क्या यूज़ होता है। ये छोटे छोटे जो नीचे नीचे ऑप्शन है फॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में, पैराग्राफ में या स्टाइल्स में, इनसे एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। ये क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हेल्प करती है, जैसे हमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ और करना है, तो उसके लिए हेल्प होती है। अब ऐसी यहाँ ये इंसर्ट, इंसर्ट में हम क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी। आई विल हेल्प यू हाउ टू यूज़ वर्ड डॉक्यूमेंट वेरी सफिशिएंटली। अब व्यूअर्स आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन बने आ रहे हैं। इसका मीनिंग होता है फर्स्ट वाले का मिनिमाइज, इसका होता है रिस्टोर डाउन और इसका होता है क्लोज। मिनिमाइज हमारे लिए क्या हेल्प करता है, मिनिमाइज का ये हेल्प होता है जैसे हम इसको बटन दबाते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाता है, इससे हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है वो दोबारा वापस आ जाती है। अगर हमें ये फाइल दोबारा चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये दोबारा अपीयर होती है। मिनिमाइज का ऑप्शन समझ आ गया। अब रिस्टोर डाउन, अब हमें पूरी स्क्रीन पर नहीं चाहिए फाइल, हमें आधी स्क्रीन पर चाहिए, तो इसका क्या हेल्प होगा, रिस्टोर डाउन ये छोटा कर देगा। अब हमें और छोटा चाहिए तो आप देख रहे हैं कि ये जो फाइल है इसके अगर हम स्क्रॉल बार के साथ में जाते तो एक एरो बना जाता है दोनों तरफ। हम इसको क्लिक करते दबाए रखते हैं माउस क्लिक, और इसको लेफ्ट हैंड साइड जब खींचेंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा। बड़ा करना है बड़ा कर लेंगे, छोटा करना है छोटा कर लेंगे, इसको छोटा करना है छोटा कर लेंगे, इसको बड़ा करना है इसको बड़ा कर लेंगे। और हमें दोबारा फाइल चाहिए तो हम इसको क्लिक कर देंगे, ये दोबारा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इसका क्या हेल्प होता है, जैसे हमें ये फाइल बंद करनी है तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे, ये फाइल हमारी बंद हो गई है। चलिए जी हम दोबारा ओपन फाइल करते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। वैसे हम पैराग्राफ में नीचे करते तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई, इसके पास करते तो मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे हम ये ऊपर हमारी विंडोज़ का बटन है, जैसे 10 में नहीं है लेकिन 10 में ये ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है 10 में भी है, इसके साथ में छोटा सा ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तब देखिए कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर ना क्विक एक्सेस टूल बार, इसे ना क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ रखनी है कौन कौन सी चीज़ नहीं रखनी है ये इसके लिए हेल्प करता है। जैसे हमें ईमेल करनी होती तो हम ईमेल का ऑप्शन रखते हैं तो ये ईमेल आ गई, क्विक प्रिंट चाहिए क्विक प्रिंट आ गया, प्रिंट प्रीव्यू चाहिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया, ओपन चाहिए ओपन आ गया। अब हमें ये चीज़ें कह रहे नहीं हमें ये बेकार लग रही है हमें हटानी है, तो इसके ऊपर जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तब ये दोबारा फाइल हट जाएगी, ठीक है। ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना बहुत आसान है। जैसे आप समझने लगेंगे आपको खुद लगेगा कि नहीं मेरे को भी कुछ आता है, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है, सब आसान है। यही था हमारा आज का ओवरव्यू, आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के टॉपिक्स हम वन बाय वन अपनी आने वाली वीडियोज में कवर कर लेंगे, सो प्लीज़ Be patient. Goodbye. Thanks for watching.